हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 में दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट 3a लाई ऑन द रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन में अगर लाई करता है तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। देखो, पहला कोऑर्डिनेट होता वाई का, दूसरा होता वाई का, तो यानी हमें एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है और y की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे a। तो मैं x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ 3 को, y की जगह रिप्लेस कर देता हूँ a को। 5, 3 टू जा 6, माइनस 3a इज इक्वल टू 5, प्लस का 6 उधर ही x को आ जाएगा, माइनस का 3a, माइनस किया कितना बचा, माइनस का 1, माइनस का 3a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में 3 है, ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मेरी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/3। और ये क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में दे रखा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन। हमें ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है इसका जो सॉल्यूशन होगा किस तरीके का होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होगा या नॉ सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे इसके a1, a2, b1, b2, c1, c2 का रिलेशन। तो a1 जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, b1 जो होगा कोफिशिएंट ऑफ y होगा, c1 होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म मेरी, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो ये माइनस का 8 है, ये मेरा पॉजिटिव का 16 है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ है, ये इक्वल टू के इस तरफ है। तो दोनों को एक तरफ कर दो, या तो दोनों को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाओ या दोनों को इक्वल टू के इस तरफ ले आओ। तो मेरा नेगेटिव का माइनस का 8 है, सॉरी नेगेटिव का 8 है, मैं इधर ले आऊँगा, किसका आ जाएगा पॉजिटिव का, तो इसे मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव का, क्योंकि ये भी इधर आगे पॉजिटिव का हो गया होगा। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कोफिशियंट ऑफ y यानी कि 4, एंड c2 मेरा हो गया 16, ठीक। तो मैं इनके रेशो चेक करता हूँ, a1 a2 का पहले 1/2 आया, फिर मैंने रेशो चेक किया b1 b2 का 2/4, कैंसिल किया तो कितना है 1/2 आया। c1 c2 इनका रेशो चेक किया 8/16, 8 × 2 = 16, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका रेशो सेम है। अगर सबका रेशो सेम होता है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रेशो सेम है तो उसके होते हैं इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसका वो होगा इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज ए इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है, राइट द वेदर द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये जो इक्वेशन दे रखी है दोनों, बताना है हमें ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखो, कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कि दोनों को सॉल्व करने पे या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसके इन्फाइनेट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों में से अगर कोई कंडीशन वेरीफाई होती है, यानी जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए, वो होगा कंसिस्टेंट। जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी कि नो सॉल्यूशन कंडीशन अगर शो करता है, तो वो होगा इनकंसिस्टेंट, यानी कि नॉट कंसिस्टेंट होगा वो, ठीक है। तो दोनों के रिलेशन चेक करते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 में क्या रिलेशन इनका शो होता है। तो इसके लिए हमें a1 चाहिए, जो होगा कोफिशियंट ऑफ x, b1 कोफिशियंट ऑफ y, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, c1 हो जाएगा 14, a2 हो जाएगा मेरा कोफिशियंट ऑफ x यानी कि 1, b2 -1, c2 यानी कि 4। तो पहले a1 a2 b1 b2 इन्हीं का चेक करते हैं। तो ये a1 a2 कितना है, 1:1, b1 b2 1/-1। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो चेक करूं, a1 a2 b1 b2, इसका है 1:1, इसका है -1/1, तो यानी कि इन दोनों का रेशो सेम नहीं है। अगर शुरुआत के दोनों का ही रेशो सेम नहीं होता तो ये कंडीशन होती है इंटरसेक्ट लाइन की, इंटरसेक्ट लाइन जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, सो गिवन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, इस वजह से कंसिस्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।